माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी वहां मौजूद, सम्मानी मुख्य सचिव महोदय, आदरणीय एपीसी साहब, सभी सम्मानित अधिकारीगण, हमारे पूरे प्रदेश के सभी जिलों में जुड़े हुए परम सम्मानी मंत्रीगण, विभिन्न जिलों के मुख्य अतिथि, विभिन्न मंडल और बोर्ड के अध्यक्षगण, हमारे विभिन्न में मौजूद सम्मानी भाई गुजराल जी, आदरणीय भाई आशीष जी, कलेक्टर, एसपी साहब और पूरे मेरे जिले के साथ साथ पूरे प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी की बात सुनने के लिए जुड़े हुए हमारे सभी किसान भाइयों बहनों पत्रकार मित्रों, आज राजीव जी की पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में राजीव जी से हमारे मन के बहुत करीबी रिश्ता रहे। पुण्यतिथि के अवसर पर मैं राजीव जी के स्मरण करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। हमारा सौभाग्य आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में हमारे सरकार के द्वारा जो काम किए जा रहे थे, किसान मन के सामने जो महत्वपूर्ण योजना हम छत्तीसगढ़ में लागू करे हैं, तथा आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कर कमल से राशि के हस्तांतरण करे के कार्यक्रम है। तो आज ये बात के लगातार दूसरा कोरोना हो गई, इसे पूरा देश में औद्योगिक गतिविधि, अन्य व्यवसायिक गतिविधि, व्यापारिक गतिविधि बंद रही थी, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में कृषि के क्षेत्र में जो काम हो थे वो गतिविधि ना तो बंद हुई और ना ही किसान के खाता में पैसा दिए के जो काम है उसमें कोई रुकावट आई। मैं आज के अवसर पर ये कहने में बोला बहुत खुशी हो थे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में ये 3 साल में किसान के खाता में 1,00,000,00,000 रुपये से अधिक राशि के हस्तांतरण किए जा चुके हैं। 1,00,00,000,00,000 रुपये और ये राशि की जो मैं बात कहा था कि वह आरबीसी और इंश्योरेंस के राशि जुड़े नहीं है। आज हमारे मन के मुख्य उपज आदरणीय मुख्यमंत्री जी 11,000 करोड़ के कर्ज माफ करने के बाद जब 2,500 रुपया घोषणा दिए के आदेश जारी करी और पहली साल हर किसान के खाता में 2,500 रुपया प्रति क्विंटल दिए ही थे, लेकिन राजनीतिक बात कहना उचित नहीं। केंद्र सरकार के लगातार उतार हड़ताल के बाद छत्तीसगढ़ के किसानों के सामने एक धर्म संकट हो गई थे। केंद्र के कहना रही थे, आदरणीय मोदी जी के सरकार के कहना रही थे कि छत्तीसगढ़ के किसान मल्ला मिनिमम सपोर्ट प्राइस अरे जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है ओकर से ज्यादा 1 रुपया भी नहीं मिलना चाहिए, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी के कहना रही थे 2,500 रुपया से 1 रुपया कम नहीं मिलना चाहिए। जिसके कारण राजीव गांधी किसान न्याय योजना हमारे किसान मल्ला इनपुट सब्सिडी लागत समर्थन के रूप में दिए के निर्णय आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, और सौभाग्य से विगत 2 साल में 11,000 करोड़ से भी अधिक की राशि किसान मन के खाता में ट्रांसफर हुए और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगभग 3 योजना मिला करके 1,804 करोड़ रुपया 26,50,000 किसान गोपालक मन के खाता में अपने आप में एक बहुत बड़े कार्यक्रम है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रति मैं आभार भी व्यक्त करना चाहता हूँ और पूरा प्रदेश किसान मन के तरफ मुख्यमंत्री जी का विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये योजना जो 3 योजना है, हमारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना, हमारा गोदान न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना, ये प्रकार की योजना सारा हिंदुस्तान में कठोर कल्पना से बाहर है। हम जब गोधन न्याय योजना लागू करें, 2 रुपया किलो में गोबर की खरीदी शुरू करें तो पूरा हिंदुस्तान में लोगों का आश्चर्य भी हो रही थे, लेकिन आज हमारी योजना झारखंड सरकार लागू कर दे, मध्य प्रदेश में 1.5 रुपया किलो में गोबर खरीदी के आदेश हो चुके हैं, उत्तर प्रदेश में 1.5 रुपया किलो में गोबर खरीदी के आदेश करे जाते,
विदेश देव मंदिर से चीफ अद्भुत नेतृत्व हमारा मिले हुए हैं, जिसका सोच
गांव के विकास सुराजी गांव और किसान का आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाए के पिता ने उखर लिए, चाहे बजट के कट्टो राशि खर्चा कर पड़े। हिम्मत के हमारे मुख्यमंत्री जी काम कराते तो फिर से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बधाई, हमारे सब किसान साथी वाला बधाई और शुभकामना, और आप सब धन्यवाद करते हुए अपन बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय।